हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के 3 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आपका माइंड जो है ब्लो कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर पहले स्मार्टफोन की, तो वो हो जाता है इन्फिनिक्स का Hot 9, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाल रखे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी उस पर मिले हैं हमें। तो यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, वो हमें मेन हाईलाइटिंग फीचर इसका देखने को मिल जाता है इसके कैमराज में, क्योंकि काफ़ी कुछ हमें नया देखने को मिलने वाला है इन्फिनिक्स के Hot 9 में, वो भी 5000 mAh की बैटरी के साथ में, वो भी फास्ट चार्जिंग भी हमें सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशन की, वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्टर और स्मूदर एक्सपीरियंस देने वाला है Hot 9। और यहाँ पे अगर बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, वो हो जाता है इन्फिनिक्स का S6, जिसमें हमें ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वो भी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ में। और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस इन्फिनिक्स के S6 स्मार्टफोन में, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसा कि यहाँ पे इन्फिनिक्स ने अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स S6 में ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के साथ में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी लो बजट का स्मार्टफोन होने वाला है और ये 9000 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि अदर स्मार्टफोन कंपनीज़ का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ोन हमें 12 से ऊपर ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी कम कीमत में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फ़ोन देखने को मिलने वाला है, जो कि इन्फिनिक्स की ओर से आने वाला है। और यहाँ पे लास्ट में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्मार्टफोन की जिसका वीडियो शायद ही मैंने बनाया हो, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा होने वाला है इस इन्फिनिक्स S6 में। और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की स्पीड इतनी होने वाली है जैसा कि हमें अदर स्मार्टफोन की कंपनी में देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर फेस अनलॉक की बात करें, वो हमें काफ़ी एक्यूरेट देखने को मिलने वाला है इन्फिनिक्स के S6 स्मार्टफोन्स में। तो ये सब रूमर्स निकल के आए हैं कि आखिरकार इन्फिनिक्स के आने वाले फ़ोन हमें किस बजट में और किस स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात करें अगले स्मार्टफोन की, तो वो हो जाता है इन्फिनिक्स का Hot 8 Pro। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्फिनिक्स जो है इन्फिनिक्स Hot 9 को Hot 8 Pro में लॉन्च करने वाला है या फिर Hot 9 से ही लॉन्च करने वाला है, तो ये हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में Hot 8 Pro भी आने वाला है, जिसमें हमें वही पॉपअप सेल्फी देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे हमें बैक में क्वाड कैमरा भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने बजट स्मार्टफोन में काफ़ी लो प्राइस में आने वाला है। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स कुछ नया ज़रूर करेगा अपने आने वाले स्मार्टफोन के साथ में, जैसा कि उसने इन्फिनिक्स S5 Lite लॉन्च किया है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को